सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंस देखेंगे स्पोर्ट्स में बच्चों की और औरतों की, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेनार्की एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मेनार्की, सेकेंड टॉपिक इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, थर्ड टॉपिक इज़ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, फोर्थ इज़ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, फिफ्थ वन इज़ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड मेंस्ट्रुअल पीरियड। फर्स्ट टॉपिक मेनार्की, इसमें ये बताया गया है कि जब एडोलेसेंस पीरियड चल रहा होता है तो लड़कियां काफ़ी सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करती हैं, जिसमें से एक पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जिसमें जो गर्ल्स हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। जनरली ये पाया गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जो इंडिया का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 12 से 16 साल के बीच में देखने को मिल जाता है। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इसी पीरियड को हम मेनार्की बोलते हैं। सो ये जो पीरियड है वो डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे और जेनेटिक कंडीशन पे, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी हेरिडिटी कैसी है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ सेकेंडरी चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। सो मेनार्की बेसिकली ये है, जब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन हो जाती है लड़कियों में, जनरली इंडिया में 12 से 16 साल के बीच में ये देखने को मिलता है। ये जो डिपेंड करता है वो लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसी को हम मेनार्की बोलते हैं। प्राइमरी चेंजेस के बाद इंसानों में सेकेंडरी चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं, सच एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रोथ एंड ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। सो अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, द मंथली प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग थ्रू वजाइना। सो बेसिकली मंथली प्रोसेस होता है ये, इसमें ब्लीडिंग होती है वजाइना से और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो जब पीरियड में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है उसी को हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बोलते हैं, विच मींस जब पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आ रहे हैं, स्किपिंग हो रही है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ की उसके बाद आ रहे हैं, या जो कॉन्टिन्यूशन का टाइम होता है 2 to 5 days, उससे ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है, तो ये जो पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो इस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के कुछ टाइप्स बता रखे हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ पीरियड, या क्रैम्प्स हो जाते हैं, या काफ़ी लंबे समय तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या काफ़ी लंबे समय तक पीरियड्स हो जाते हैं, या पीरियड्स में डिले देखने को मिलता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इसमें ये क्लियरली बता रखा है 21 से 35 दिन तक जो है ये गैप रहता है वन पीरियड साइकिल से लेके सेकंड पीरियड तक, 2 से 5 दिन तक के लिए जो है ये साइकिल चलती है। उसके बाद क्लियरली बता रखा है कि अगर आपके जो मंथली पीरियड हैं वो 21 से 35 दिन में नहीं होते, तो यानी कि आप मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का शिकार हो चुके हैं, आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ, उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से, या कोई और भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड मेंस्ट्रुअल पीरियड, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि कुछ लोग ये सोचते थे कि गर्ल्स जो हैं वो प्रॉपरली स्पोर्ट्स में परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, या उनके पीरियड साइकिल में डिस्टर्बेंस हो जाएगी अगर वो स्पोर्ट्स में परफॉर्म करेंगी, तो इसीलिए उन्हें परफॉर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन सर्वे के बाद ये जानने को मिला है कि अगर एक लड़की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो दूर हो जाती हैं, वो रिकवर करने लग जाती है, वो काफ़ी बेटर हो जाती है। सो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि रेगुलर पार्टिसिपेशन से आपकी जो पेन रिकवरी है वो तेज़ी से होने लगती है और मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल जो है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो हो जाती है डन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, उसी के साथ 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 में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइज़।